नमस्ते दोस्तों, मैं कन्हैया आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, मजदूर यूनियन का हूं इसलिए मजदूरों जैसी बात करना चाहूंगा। किसानों के लिए 50,000 रुपये के टाइम जो राजस्थान सरकार कर रही है, तो इनमें मैं ये कहना चाहूंगा, दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा बंधन मान दिया कि जो लघु और सीमांत 4 बीघा और 8 बीघा, और इधर कह दिया 50,000, और इधर बैंक नियुक्त कर दिया कि वो कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक 1 बीघे के पीछे 1,000 रुपया लोन देती है, वो फसली ऋण, तो 4 बीघा के 4,000 हुआ, और 8 है लघु उसको देती 8, तो 8 बीघा के 8,000 माफ हुए हैं। इसका बैंकों का जो नो ड्यू सर्टिफिकेट आते हैं तो 382 सर्टिफिकेट आए किसानों को, नो ड्यू प्रमाण पत्र दिए गए, और ऋण माफ हुआ कुल कितना मोट 31 लाख। अब क्या एक किसान को 50,000 देते हैं तो क्या 381 का 31 लाख ये अमाउंट होता है? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ टाइम सरकार कर रही है कि 50,000 हर किसान को दिए, मुख्य पक्ष में छपता है, तो इसका निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप उनका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लघु किसान 50,000 रुपये की ऋण माफी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना के 50,000 लघु किसान जो 8 बीघा 10 बीघा 20 बीघा जो उनकी जो छोटा व्यापार करते हैं, छोटी खेती करते हैं, छोटे स्तर की खेती करते हैं, तो उनका 50,000 रुपये निश्चित तौर पे उनका ऋण माफ हुआ। 50,000 तो किसान जो प्रोसेस सिस्टम जो गवर्नमेंट का बना हुआ है, तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऋण माफ 50,000 उनके अकाउंट में आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, तो सिस्टम जिनको पता है उनको तो बिल्कुल मिला है, मिलता जा रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको समझा रहे हैं। अगर किसी के ये बात नहीं समझ पाती, देखो सिस्टम होता है के सरकार ने बैरियर लगा दिया था। अब आप वही बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भारी विरोध किया इस बात का कि आप बैरियर नहीं लगा सकते इसके ऊपर। पर कोऑपरेटिव वाला लोन तो सरकार ने एज इट इज रखा, और 8 बीघे का बैरियर सरकार ने हटा दिया था, बैरियर हटा के उसके ऊपर फार्मूला लगा दिया एक। अब ये आप जो है देवीलाल जी बोल रहे हैं ना, ये सही कह रहे हैं कि भाई बीकानेर रीजन में, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये यहाँ DLC रेट से जब लोन देते हैं तो 8 बीघे का 50 लोन नहीं मिलता। अब कोई जिसकी ज़मीन है और है, DLC रेट के आधार पर है, कोई 12-12 हज़ार तक भी जा सकता है लोन, 8,000, 12,500, 16,000। अब ये उतना ही माफ हुआ। अब जिसकी ज़मीन ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा वाले का भी 50 तक किसी का नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें बीघों का भाग दे कर एक फॉर्मूला लगाया तो वो वापिस 16,000, 18,000, 22,000 तक आ जाता है। और जिसके अब जिसके 100 बीघे ज़मीन है उसके 32,000 आता है। ना, 50 का जो बात है, 50 की बात है वो सरासर झूठ होती है। हाँ, लोन ऋण माफ हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और इससे भी बड़ी, जितने भी ऋण माफ किया उनको सर्टिफिकेट दिया, कोऑपरेटिव बैंक में माइनस नहीं किया उनका ऋण, बैंक वाले आज भी तकाजे पे बैठे। नौकर मेन मुद्दों है जो को आप बारे बात बात बता रहे भाई साहब है कि जो को पशु वालों एक मैं पशु रोड में फिर रोड फिर बाजार में कटला चौक बड़ी हालत खराब गंभीर चल रही है, अट मतलब आएगी बहुत परेशान नहीं हुआ है, पचास पशु भी लगा देने बहुत पड़ जाए, इनों गाड़ी आवे ठीक है, और सगी समस्या ले रहा है जवा किर करने विधायक जमा, और या फिर चेयरमैन साहब कने, सब चेयरमैन साहब अपना मैं बड़े बड़ा टूट लगा ले विधायक जी, आप विदेश पूछिए आप बता किन्ने के वहाँ भाई की रहता रोवा में बहुत आप समझ हल करे नगर पालिका है, नहीं नगर पालिका कुंटो बंद कर ले गणेश जी, वो तो है नहीं हमारे विकास मतलब है नहीं, यहाँ विकास मतलब यहाँ कोई कार्यक्रम है नहीं, ये बेटे कांग्रेस के इनसे करूँ और किसे करूँ और किसे करूं? इन्होंने क्वेश्चन किया है जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे घटना घट रही है, दुर्घटना घट रही है, आदमी बच्चे घायल हो रहे हैं, मार्केट में सब्जी वाले परेशान हैं, आम पब्लिक परेशान है, सभी परेशानी से आप नहीं सब परेशान हैं, किसान भी परेशान है, जिससे सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये वाकई आपने एक ऐसा प्रश्न रखा है जिससे हम व्यक्तिगत रूप से भी भुक्तभोगी है, और इसके लिए बराबर लिखते रहते हैं, जैसे जरिए में किसी को लिखा, किसी को याद दिलाया, कहीं कोई मौका आया तो। अब इस मुद्दे से किसान पूरे आहत है, खेतियां सारी नष्ट है, और किसानों की इनकम
बिल्कुल ही खत्म हो गए। ये किसानों के आय के सोर्स थे, गाय पशु धन रखना। आज उनके मौत का घर है, किसान डरते हैं गाय धन पशु रखते हुए कहाँ जाएं, कहाँ चरें, क्या है। अब हमारी सरकार आएगी तो इसका निश्चित रूप से हल होगा, निश्चित रूप से। और ये जो थोती नंदी घोषणा है, नंदी गौशाला है फलार, ये थोती घोषणा है, ऐसा नहीं होगा। आपको ठोस कहते हैं कि सरकार आएगी, इस गाय गोदे की समस्या का निश्चित रूप से हल कराएंगे। इनके सवाल में आ रहा है, मैं करूंगा। सर सर, आप इसे मानते हो ये काम है ना, ये सभी काम आप कह रहे हो गायों वाला, ये विधायक का काम है, विधायक जी का भी काम है, नहीं का नहीं, ये काम किसका, मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे, ये जो गाय हमारा पशु वाला काम किसका है, हाँ हमारा पशु जो नौखा में घूम रहे हैं अभी, भाजपा लेते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता, अरे आप मत बोलो, अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप मत बोलो, मैं एक बार सवाल पूछ रहा हूँ, आप मत बोलो प्लीज। हाँ जो शहरी क्षेत्र का मुद्दा है, आवारा पशु जो बाजार के बहुत बड़े बड़े कटला चौक, महावीर चौक, जैन चौक, मरोठी चौक, गांधी चौक, इन जो मेन जो नौका के शहर के जो बड़े बड़े चौराहे हैं, बड़े बड़े चौक हैं, इन्हीं के अंदर जो ये आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ी, अकटला चौक है, लखारा चौक के अंदर सब्जी मंडी, तो वहाँ ये आवारा पशु इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को चोट लग जाती है, झगड़ा करते हैं, नुकसान हो जाता है मार्केट को। तो शहरी क्षेत्र की जो दिक्कत है, शहर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेवारी बनती है नौका नगर पालिका की। नौका नगर पालिका जो कि NCP का बोर्ड बना हुआ है, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इस आवारा पशुओं के लिए आप कोई व्यवस्था करें। आप ये आपके जो नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी पोस्टें देखी है मैंने फेसबुक पे, हमने आज वहाँ से आवारा पशु पकड़ के वहाँ डाल दी। आवारा पशु तो उतना ही है नौका में, आवारा पशुओं की कमी नहीं आ रही, बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका पे कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम और उसको इम्प्लीमेंट करना नगर पालिका है उनका काम। कोई स्थाई हल नहीं है, कोई पुख्ता हल नहीं है। कितनी गौशालाएं बढ़ाओगे, कितनी दूरी में बढ़ाओगे, कितनी गाय रखोगे, उसमें समाधान कैसे हो सकता है? इसके सबसे बड़ा समाधान ये है कि जो पशुपालक है उसको उस पशु से इतनी आमदनी हो कि उसका पालन वो कर सके। आवारा क्यों है पशु, मूल सवाल ये है कि आवारा पशु क्यों घूम रहे हैं। आज अगर मैं इस गांव से दूसरे गांव में गाय को लेकर जाता हूँ, 10 जने आगे लठ लेके खड़े हो जाएंगे, मेरे को जान से मार देंगे कि तू गौतस्कर है। इसके कारण आज कोई भी किसान, कोई भी गौपालक तो गाय नहीं रखना चाहता, बाहर निकालते हैं अपने घर से। सारी समस्या आवारा पशुओं की इस हल से खड़ी हुई है। अब गौशाला कितनी बढ़ाओगे? आज एक आपने 5,000 पशुओं के लिए गौशाला बढ़ा दी, थोड़ी देर बाद वो 5,000 की जगह आवारा पशु 50,000 हो जाएंगे, वो तो बढ़ते जाएंगे। इसका हल ये है कि ये जो ये मामला सारा कानूनी व्यवस्था का है, प्रशासन का है, नियमों का है। आप इस इनकी बात से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और भी बड़े बड़े सवाल होंगे, हमारे देश से जुड़े मुद्दे भी होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।